भारत से अमेरिका पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सिख समुदाय और आरक्षण के बयान को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, जिसका राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष गणेश खनगर के नेतृत्व में सिख प्रकोष्ठ के सदस्यों से सिख समुदाय के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बुधवार को मुंबई के कांदिवली पश्चिम एसवी रोड पर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रही और राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जूता मारो आंदोलन का आयोजन किया, जहां पर लोगों ने पहुंचकर राहुल गांधी की तस्वीर पर जूते चप्पल मारते नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत से अमेरिका जाकर भारत की जो छवि है उसे खराब करने का काम कर रहे हैं। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा भाजपा नेताओं ने और अन्य लोगों ने देखे। देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरह की बचकानी हरकत हमेशा करते हैं वो उन्होंने फिर से की है। अब कोई उन्हें पप्पू कहता है, कोई उन्हें बालबुद्धि कहता है, लेकिन अब की बार जो गलती की है वो पूरे के पूरे समाज को उन्होंने एक तरह से अपमानित करने का प्रयास किया। उसके निषेध के रूप में ये सारे लोग जो है ये समाज के लोग हैं, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था और हमने पूरी तरह से जम के राहुल गांधी जी को आज जूते मारे। राहुल गांधी जी को भी पता चले कि पूरा समाज उनकी इन बातों से कितना आक्रोशित है, इसलिए आपने देखा होगा कि लोगों ने कितने गुस्से से आज उनको जूते मारे। कांग्रेस का चाल और चरित्र ये जो दिखाते हैं वैसा है नहीं। ये संविधान को लेकर कांग्रेस के सारे लोग और राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे थे, बिल्कुल उसके विपरीत जैसे ही चुनाव खत्म हुआ जो कांग्रेस के पेट में था वो ओठों पर आ गया। अमेरिका में जाकर राहुल गांधी जी ने जो सारी बातें कही है ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। संविधान के प्रति हो या आरक्षण के प्रति हो, कांग्रेस की जो भूमिका है तो राहुल गांधी जी बोल गए। पूरे चुनाव में उन्होंने संविधान 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 की बातें कही और जब संविधान के बारे में कुछ पूछा जाए तो राहुल गांधी जी अपना मुंह फेर लेते हैं। बिल्कुल, यानी अमेरिका में जिस तरह से उन्होंने सिख समाज का अपमान किया है, आरक्षण के बारे में उन्होंने जो बातें कही ये कांग्रेस का खुला चरित्र है जो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। अब यानी आप लोग थोड़ा अजीब महसूस करेंगे कि राहुल गांधी जी देश के बाहर जाकर ये सारी बातें क्यों कहते हैं। देखिए, काम करने का अपना तरीका होता है। इसके पहले भारत के नेता विदेश में जाते थे तो यहाँ के जनतंत्र के बारे में बातें कहते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि देश में कुछ कमियां हो सकती है, देश के जनतंत्र में कुछ सुधार होने चाहिए, उसके बारे में आप जरूर बात कह सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे भारत की प्रतिमा को जिस तरह से मलिन करने का काम और अपनी बातें कहने का काम राहुल गांधी करते हैं, इसका निषेध किया जाए वो कम है। जैसा मैंने आपको कहा कि 1964 में नेहरू जी ने कहा था ये आरक्षण खत्म करना चाहिए क्योंकि इसमें अज्ञानी लोग आएंगे आरक्षण में। 84 में राहुल गांधी के पिताजी जो राजीव गांधी से, उन्होंने भी यही कहा कि अज्ञानी लोग को हम आरक्षण देंगे तो देश आगे। और आपने सुना कि हमारे अभी 24 को राहुल गांधी जब आप देख रहे थे कि ये देश में ये संविधान घुमाकर ये कर रहे थे कि बीजेपी वाले ये संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और वही ऐसा करने वाले राहुल गांधी अमेरिका में जाते हैं और कहते हैं हम संविधान में आरक्षण है वो खत्म करने की योजना बना रहे हैं, ऐसा कहते हैं। इसके लिए मैं राहुल गांधी का निषेध करता हूं। और जो जैसा किया अभी हम लोगों ने कि वो जो उनकी बालक बुद्धि है कि वो जो संविधान है जो बाबा साहब का मूल संविधान उसकी कॉपी है वो उसकी डायरी जो है वो डायरी लेकर सब घुमा देते और ये डायरी ठीक है वो बाबा साहब के संविधान की कॉपी है लेकिन वो लोग पढ़ भी नहीं सकते, ऐसा ही वो संविधान की कॉपी है। इसी के लिए इस घर में जाएंगे तो जलेंगे, लेकिन मेरा भोला बाप जो समाज था ये कांग्रेस की झूठी नैरेटिव बातें वो उनके बहुका में आए और आपने देखा कि कुछ जगह पर हमारा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पराभूत होना पड़ा। लेकिन जो हमारे नरेंद्र मोदी है जो विश्व में अभी एक नंबर के वो जो जिसको बोलते हैं वो गुरु
से है, वो शासक है। सब जो राज्य है वो मोदी जी, जो खान वाले अध्यक्ष थे उन्होंने कहा मोदी इज द बॉस। जो साउथ अमेरिकन पद्मप्रधान थे उन्होंने अपने मोदी जी के पैर चुने। पूरे भारत में, फिर रशिया हो या यूक्रेन हो, जापान हो या अमेरिका में हो, या यूएई हो या जो वहाँ की जो अमीरात हो, बाबा साहब या मोदी जी को सब चाहते हैं। सब देशों ने सम्मान किया। जब प्रथम मोदी जी चुन के आए 2014 में, तो उन्होंने जब ये संसद भवन में पाँव रखा तो उन्होंने वहाँ मत्था टेका, क्योंकि न्याय मंदिर है। और उसके बाद तीनों बार जब चुन के आए तो ये संविधान मत्थे में लगाकर उन्होंने ये देश का कारोबार शुरू किया। जो मोदी जी ने ये संविधान का जो सम्मान दिया है, बाबा साहब को सम्मान दिया है, जो पंचतीर्थ का निर्माण किया है, ये सब मोदी जी ने किया है। लेकिन जो कांग्रेस है उन्होंने उनको अपमानित किया है। इसके लिए मैं कांग्रेस का और विशेषकर राहुल गांधी का निषेध करता हूँ कि फिर ऐसे बचकर ही बातें नहीं कहे, नहीं तो हम उनको भारत में भी आने नहीं देंगे।